हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं एक वाटर लेवल कंट्रोलर से जो कि सेमी ऑटोमेटिक है। ये मॉडल हमारा सेमी ऑटोमेटिक है और हमारा एक फुल्ली ऑटोमेटिक भी आता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का, इसमें लिखा हुआ है सेमी वाटर लेवल सेमी ऑटोमेटिक। ये हमारे एक बिहार के भाई साहब हैं जो कि हमसे बनवाते हैं, वो अपना इसमें ब्रांडिंग वाटर टैंक रोबोट करके करवाते हैं। अगर आपको इसका रिक्वायरमेंट है तो आपको अपना ब्रांड से भी बन के आपको मिल जाएगा बिल्कुल सही प्राइस में। तो ये समरसेबल के लिए, इसमें जैसा कि पिक्चर में दिखाया हुआ है, समरसेबल के लिए स्पेशल बनाया हुआ है डिजाइन करके। इसमें ये तीन इंडिकेटर हैं, एक हमारा ऑटो करके है जो कि ये स्विच के लिए है। अगर हमारा स्विच ये नीचे रहेगा तब ऑटो मोड में है तो ये बल्ब ये जलेगा, लाल वाला बल्ब। और हमारा एक टैंक फुल होने पे ग्रीन बल्ब करके है, ये हमारा जलेगा ग्रीन बल्ब। और हमारा एक पावर करके बल्ब है जो कि पावर ऑन रहेगा तो चलेगा। और ये स्विच ऑटो मैनुअल करने के लिए है, यहाँ लिखा हुआ भी है मोड टाइप, मैनुअल ऊपर हो गया और ये हमारा अपना ऑटो नीचे हो गया। इसके नीचे कनेक्शन सारा है, कैसे कनेक्शन करे किया जाएगा। ये हमारा इनपुट है जो कि मेन बोर्ड में हमारा जाएगा, ये दो गो। ये अपना फेज हो गया जो कि रेड करके है, ये अपना फेज हो गया और ये अपना न्यूट्रल हो गया। ये अपना मेन बोर्ड में जाएगा। इसके बाद ये जो दो को बीच वाला है, ये अपना स्टार्टर जो होता है समरसेबल का, उसमें कनेक्शन होगा। जैसा कि लिखा हुआ इसमें ब्लैक है जो कि न्यूटन हो गया और इसमें रेड है जो कि अपना फेज हो गया। और अपना ये लास्ट वाला जो दो है वो टैंक में जाएगा। ये दोनों में वाटर टच करते ही आपका मोटर यहाँ बंद हो जाएगा। तो कुछ इसका बनावट इस तरह का है, यू कैन सी। इसे दीवाले माउंट करने के लिए इसमें चार होल दिया गया है, यू कैन सी, देख सकते हैं आप। ये दो इस साइड है और दो इस साइड है, इसमें टोटल चार होल इसे माउंट करने के लिए दिया गया है बिल्कुल। अब इसमें चलिए पावर सप्लाई देख के हम देखते हैं कि ये इससे क्या होता है। इसमें ये अपना फेज जनरेटर इसमें आ रहा है तो डायरेक्ट इसमें हम इसको कर देते हैं और यहां स्विच को ऑन कर देते हैं। यू कैन सी ये अपना अभी ऑटो मोड में है। ऑटो मोड में रहने की वजह से ये आपका ऑटो वाला जो है रेड वाला बल्ब ऊपर वाला ये जल रहा है। और जैसे ही इसको ऑफ करते हैं, मैनुअल में करते हैं, तो ऑटो वाला बल्ब हमारा ये बंद हो गया। ये बल्ब कंटिन्यूस चल रहा है, ये कैमरे में ब्लिंक करते हुए दिख रहा है, लेकिन नॉर्मल आई से देखने पर ये नॉर्मल चल रहा है, इसमें ब्लिंक नहीं कर रहा, ये कैमरे में ब्लिंक कर रहा है। चलिए इसको ऑटो में करते हैं। ऑटो में करने पर ये लाइट बल्ब जल जाता है हमारा ऑटो वाला। तो अब इसे हम चेक करते हैं, जैसे हमारा टैंक फुल हो जाएगा तो हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। ये हमारा टैंक वाला, इसमें कोई करंट नहीं आता है जो हमारा ये टैंक वाला है। चलिए तो इसको शॉर्ट करके देखिए, इसमें टैंक फुल का इंडिकेटर जल गया और हमारा जो इसमें मोटर का सप्लाई जा रहा है वो स्विच ऑफ हो जाएगा और पानी खाली होते ही आपका ये फिर नॉर्मल जिस तरह से है उस तरह से आ जाएगा। ये सेमी ऑटोमेटिक है, ये पंप को सिर्फ बंद करेगा, चालू नहीं करेगा। चालू करने के लिए फुल्ली ऑटोमेटिक हमारा आता है, आप चाहे तो इसे अपने ब्रांड में बना सकते हैं। यहाँ का जो वाटर टैंक रोबोट लिखा हुआ है ये हमारे बिहार के एक भाई साहब हैं
जो कि हमसे बनवाते हैं। तो आपका भी अगर अच्छा क्वांटिटी है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, जो भी रहेगा हम आपको बता देंगे कैसे क्या होगा, और आप अपने खुद के ब्रांड में इसे बनवा सकते हैं। तो चलिए फिर, हमसे कांटेक्ट करने के लिए नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हम सारा चीज़ आपको डिटेल बताएंगे। तो वीडियो इतना ही था, अगर आप बोलिएगा तो आपके लिए फुल ऑटोमेटिक वाला भी वीडियो बन जाएगा। चलिए फिर, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।